आज 20 से 25 सफाई कर्मचारी एकत्रित होकर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जल्द से जल्द वेतन दिलाए जाने की मांग की। दैनिक वेतन सफाई कर्मचारी जिला मुख्यालय में एकत्रित हुए और अपने 7 माह से वेतन नहीं मिलने की शिकायत को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि 7 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। कई बार नगर पालिका के अधिकारियों से भी कहा, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई। युवराज कर रहे थे आप नगर पालिका में, क्या कार्य कर रहे थे आप? साफ सफाई कही। फिर क्या हुआ? पेमेंट नहीं दे रहा 7 महीने से और हटा दिया। कितने कर्मचारी वहाँ पे थे? 150-150। किन कारणों की वजह से हटाया? क्यों? पेमेंट नहीं दे रहा था। कितनी पेमेंट रुकी होगी आपकी 7 महीने की? कितने? मेरा नाम शरद। शरद कहाँ रहते हैं? कुमार गली जी। कहाँ पर सर्विस कर रहे थे आप? नगर पालिका। कितने महीने से कर रहे थे? 8 महीने। क्या हुआ फिर? हटा दिया और 7 माह का वेतन नहीं दिया। क्या कार्य कर रहे थे आप? नगर पालिका में सफाई कर्मचारी। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग होंगे 250 के समथिंग। क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, पेमेंट नहीं दे रहा है। आज दस दो चार दो चार आजकल कितना पेमेंट रुका हुआ है आप सभी लोगों का? लगभग 7 महीनों। कितना पगार कितना होगा? 5,280। एक दिन का? एक महीने का। एक महीने का सैलरी 7 महीने से नहीं मिली है। हमने उनको रखा ही नहीं है। वो दैनिक वेतन कर्मचारी, वो नगर पालिका कर्मचारी नहीं है। वो उनको दैनिक वेतन पर रखा गया था। वो नगर पालिका ने कोई उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया है, ठीक है ना। उनको दैनिक वेतन पर रखा गया था। दैनिक वेतन का जो उनका 89 दिन के लिए रखा गया था, वो अभी एक दो दिन में उनका पेमेंट हो जाएगा।